ये इस योजना का चौथा वर्ष है। दीपक अरोड़ा एक प्रतिभाशाली कवि, जिन्हें कविता तो बहुत मिली पर उम्र बहुत कम, अल्प आयु में उनका जाना कविता के एक नए तेवर का असमय ठहर जाना जैसा है। उनकी कविताएं जिनमें बहुधा पंजाबी मुहावरे वाली मारक शक्ति है, एकदम अलग जमीन पर कही गई है। खास बात ये कि वो अपने जमीन खुद तैयार करते हैं और अपने प्रेम का पौधा भी स्वयं लगाते हैं। ये पौधा पुष्पित होगा, इसमें संदेह नहीं। वक्त के होठों पर एक प्रेम गीत, समुंदर इन दिनों और अंतिम वार्ता के अवशेष दीपक अरोड़ा के प्रकाशित कविता संग्रह है। दीपक की स्मृति को अक्षुण रखने के बहुविध कार्यक्रम के साथ ही दीपक अरोड़ा स्मृति पांडुलिपि प्रकाशन योजना आरंभ की गई है, के तहत उन रचनाकारों से पांडुलिपियां आमंत्रित की जाती हैं जिनकी अब तक किसी भी विधा में कोई स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसा करने के पीछे भाव ये है कि पहली पुस्तक की खुशी इस योजना के माध्यम से रचनाकार को मिले। इस योजना के तहत पूर्व में प्रकाशित पुस्तकें इस प्रकार हैं: 2016 जामुनी आंखों वाली एक लड़की और जेद के बादल, पत्थरों के देश में देवता नहीं होते, चांद मारी समय, अयोध्या और मगहर के बीच आवाज भी दे है, 2017 पुनपुन और अन्य कविताएं, मैं तुम्हें लिखना चाहूं अगर, 2018 गेहूं का अस्थि विसर्जन व अन्य कविताएं, तीसरी कविता की अनुमति नहीं प्रकाशित हुई। इस वर्ष केवल्य सुधान पूर्णा योजना में प्रकाशनार्थ चुनी गई है। प्रति वर्ष कम से कम दो कविताएं पांडुलिपियां चयनित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के संबंध में कोई दावा या बड़ा वादा नहीं है। प्रयास रहेगा कि कुछ और अच्छी पुस्तकें इस योजना के बहाने से प्रकाशित हो। पांडुलिपि आमंत्रित किए जाने के समय से ही हमारा यह स्पष्ट मत था कि यहाँ किसी प्रकार से कवियों को श्रेष्ठतर या हीनतर मानने का भाव नहीं होगा, केवल अपनी सीमाओं के तहत चयन का प्रयास किया जाएगा। ये रेखांकित करना जरूरी है कि योजना का परिणाम तैयार करते समय किसी संग्रह को रिजेक्ट करने का दम नहीं रहा। प्रकाशन की योजना केवल अपेक्षित संख्या में संग्रह चयनित करने की थी। निर्णायकों ने अपने विवेक से जो चुने वे इस योजना में शामिल किए गए। जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता, तनाव, हिंसा, नफरत का जो वातावरण बनाया जा रहा है उसकी तोड़ यही है। इसके और कोई रास्ता नहीं हो सकता। ये लेखक ही समाज में परिवर्तन लाएंगे, इस बात को विश्वास में लेकर के मैं चलता हूँ। और ये जो आयोजन हो रहा है ये एक ऐसे प्रतिभावान लेखक जो बहुत जल्दी ही हमारे बीच से चले गए दीपक अरोड़ा जी, उनकी स्मृति को समर्पित है। मैं कितना आसक्त हो जाता हूँ नदी की तरह, तुम भीतर इस किनारे से चलती हो उस किनारे पहुँचती हो, बीच में आती गोल मटोल थिरकने भंवर तेजी से एक और दूसरी ओर चलती धारा, सच बोलकर कुछ भी नहीं कहती, मौन रहती है, ये कैसे कहूँ। वाचाल तुम कि किनारे के पत्थरों से टकरा अपना निबिड़ अकेलापन साझा।